कल हमारी स्वतंत्रता की 39वीं वर्षगांठ है। इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर हमें अपने उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में महान त्याग और बलिदान किए थे। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बड़े साहस और निष्ठा के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। आज़ादी के बाद से मुख्तलिफ क्षेत्रों में हमने जो सफलताएं हासिल की हैं उन पर हम गर्व कर सकते हैं। हम अपने विकास और तरक्की की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां से लगातार कोशिशों से हमारी प्रगति की रफ्तार और तेज हो सकती है। हमारा राष्ट्र मजबूत और खुशहाल बने, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ समय से विघटनकारी ताकतें देश में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। ये हमारी एकता और अखंडता को ख़तरा पैदा करना चाहती है। इससे हमारा ध्यान विकास के महान कार्यों से हटता है। देश में हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर हमें भारी दुख होता है। सांप्रदायिकता के कारण या किसी दूसरी वजह से जो लोग हिंसा के कार्य करते हैं या हिंसा भड़काते हैं वे हमारे राष्ट्रीय जीवन पर गहरी चोट करते हैं। बेवजह हिंसा के कारण अनेक बेगुनाह लोगों की कीमती जाने गई हैं जिन पर मुझे गहरा दुख। लोकतंत्रीय समाज में लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी उचित मांगों पर जोर देने की पूरी स्वतंत्रता है। जब तक संबंधित लोग मेलजोल की भावना से अपनी समस्याओं को हल करने को तैयार नहीं होंगे तब तक ऐसी किसी भी समस्या का कोई स्थायी हल निकालना मुश्किल होगा। जो समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को उत्तेजित कर रहा हो, हमें अपने आप से यह पूछना होगा कि क्या हम बिना किसी स्वार्थ या तंग नज़री के देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और क्या हमने अपने संकीर्ण हितों और स्वार्थों का त्याग करके देश के हितों को सर्वोपरि माना है। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें चुनौतियां और ख़तरे हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और संकीर्णता की विषैली ताकतें हम पर हावी होने की कोशिशें कर रही हैं। इन विघटनकारी तत्वों का फ़ायदा उठाकर कुछ विदेशी ताकतें हमारे अंदरूनी मामलों में अनावश्यक दिलचस्पी ले रही हैं। उनका इरादा हमारी एकता के लिए खतरा पैदा करना है। इसके लिए हमें सतर्क और चौकस रहना होगा। हमारे देशवासियों ने संकट की घड़ियों में हमेशा पूरी तरह एकता का परिचय दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगाना और उसकी रोकथाम के लिए बिना किसी देरी के तत्पर रहना बहुत आवश्यक है। हमें हमेशा संगठित रहना होगा। हमारी प्रभुसत्ता और अखंडता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यह देखना होगा कि किसी भी बाहरी शक्ति को किसी भी तरीके से हमारे देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का कोई मौका ना मिले। हमारी अपनी शक्ति ही हमारे सम्मान और शान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी हो सकती है। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी समस्याओं का
शांतिपूर्ण और रचनात्मक ढंग से हल निकालने में अपनी शक्ति का उपयोग करें। चाहे उनके सिद्धांत या राजनैतिक विचारधाराएं कुछ भी क्यों ना हों, और चाहे विभिन्न राज्यों में वे शासक दल से ताल्लुक़ रखते हों या विपक्ष का समर्थन करते हों, भारत की जनता ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाया है। इस लोकतंत्रीय प्रणाली ने संसार को अपनी अंदरूनी शक्ति व क्षमता का परिचय दिया है। हर व्यक्ति का यह पहला कर्तव्य है कि वह सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निष्ठा और ईमानदारी की भावना से काम करे, भ्रष्टाचार को सभी स्तरों पर सख्ती से मिटाना होगा। राजनीतिक नेताओं, सार्वजनिक व्यक्तियों और प्रशासकों पर यह विशेष जिम्मेदारी आयद होती है कि वे अपनी ईमानदारी की छवि को बनाए रखें। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों और सामाजिक वर्गों के बीच संबंधों में ईमानदारी और सहनशीलता कायम हो। हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महत्व के कुछ पुराने मुद्दों से निपटने में अपनी पार्टी के हितों से ऊपर उठकर कुशलता के साथ कार्रवाई की है। राष्ट्रीय समस्याओं का हल राष्ट्रीय सहमति से निकाला जाना चाहिए। देश में आपसी मेलजोल की भावना को मजबूत किया जाना चाहिए और आपसी अविश्वास की भावना को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए आज़ादी की रक्षा, एकता, सद्भावना और समुचे देश की तरक्की के लिए काम करना आवश्यक है। मुझे खुशी है कि बीते वर्ष में हमारे विद्यार्थी वर्ग ने आम तौर पर अनुशासन की भावना का परिचय दिया है, परंतु राजनीतिक या धार्मिक मौका प्रस्तों द्वारा उनका अनुचित उपयोग किया जाना देश के हितों के लिए घातक है। जो लोग नवयुवकों का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, वे उनका भविष्य भी बिगाड़ते हैं और राष्ट्र को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। हमारे युवकों और युवतियों की शक्ति का उपयोग रचनात्मक और विकास कार्यों में किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की हमारी नीति सफलता की ओर बढ़ी है। हमने अनेक दिशाओं में सराहनीय प्रगति की है, परंतु विकास का लाभ अभी तक समाज के बहुत बड़े भाग तक नहीं पहुंच सका है। स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास हमारा उद्देश्य है, परंतु हमें पूरा संतोष तभी होगा जबकि गरीब से गरीब वर्गों की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने की व्यवस्था की जा सके। हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, जो हमारी जनसंख्या का तकरीबन आधा भाग हैं। उनमें से अधिकतर लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। इन लोगों को विकास और तरक्की के अवसर प्रदान करने के लिए बड़ी कोशिशें करनी होंगी। आर्थिक अपराधी और करों की चोरी करने वाले आर्थिक नीतियों को कारगर ढंग से लागू करने में बाधा डालते हैं। सरकार ने ऐसे समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो अपने निजी लाभ के खातिर अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग वास्तविक रूप में दोषी हैं, उन्हें सजा देने के लिए कानून लागू करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को दृढ़ता, ईमानदारी और निरपक्षता के साथ काम करना होगा। भारत सभी देशों के साथ शांति और दोस्ती के संबंध बनाए रखना चाहता है। इसी उद्देश्य से
हम संसार में तनावों को कम करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहे हैं। हम न्याय और समानता पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कायम करने की कोशिशों में लगे हैं। भारत की रहनुमाई में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों में आपसी सद्भावना और उद्देश्य की एकता की दिशा में बड़ी प्रगति की है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयत्नशील है। इंसानियत का वजूद केवल निःशस्त्रीकरण पर ही निर्भर है। हमें हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की होड़ पर गहरी चिंता है और हम इस क्षेत्र को उनकी सैनिक मौजूदगी से मुक्त करने के लिए दृढ़ता के साथ कोशिशें कर रहे हैं। रंग भेद के आधार पर भेदभाव की नीतियों का जारी रहना सभ्यता पर भारी कलंक है। कुछ देशों द्वारा असलियत को समझने और दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में आनाकानी से संसार को निराशा हुई है। दक्षिणी अफ्रीका की बहुसंख्यक जनता जातीय भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए जो संघर्ष कर रही है, भारत उसकी हर मुमकिन सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ भूगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों से जुड़े हैं। इसमें शक नहीं कि SAARC क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रतीक बन गया है। भारत इस संगठन को अपना हार्दिक समर्थन देता है। साथ ही हमारे निकट पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में भी सुधार लाना ज़रूरी है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने कर्तव्य और पूरी निष्ठा की भावना से राष्ट्र की सेवा की है। वे राष्ट्रीय एकता और अनुशासन के प्रतीक हैं। राष्ट्र उनकी महान सेवाओं की सराहना करता है और उनकी निष्ठा और देशभक्ति की भावना के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। अंत में मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे इस बात को याद रखें कि देश की एकता और अखंडता सबसे बढ़कर है और हमें अपनी आज़ादी और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। जय हिंद।